शार्क्स, मैं हूँ अमरावती महाराष्ट्र से अस्मिता। अरे वाह। और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से अनुकृत। और मैं बहादुरगढ़ हरियाणा से मंजरी। शार्क्स, एक ग्लोबल सर्वे के अनुसार जब एक ग्रामीण महिला कमाती है तो उसका 90% हिस्सा वह अपने परिवार में पुनः निवेश करती है, जैसे बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य की देखभाल, पौष्टिक आहार। लेकिन पुरुषों के मामले में ये केवल 35% ही होता है। जब ये बात मैंने जानी तो मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसा बिजनेस बनाया जाए जो कम से कम 1,000,000 ग्रामीण महिलाओं का विकास कर सके। बस इसी से शुरुआत हुई फार्म दीदी की। मैंने MBA के दौरान बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, सप्लाई चेन, मार्केटिंग, लेकिन एक प्रोजेक्ट मेरे दिल के काफ़ी करीब था, जो था बिहार गवर्नमेंट के साथ काम करना, जो वेरियस डेवलपमेंट एरियाज थे जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, और वुमेन एम्पावरमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो मैंने वुमेन एम्पावरमेंट चूज़ किया। जब मैंने जॉब छोड़ी तो मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ ऐसा कर सकूं ताकि वुमेन एम्पावर हो सकें और एक नहीं लाखों हो सकें। बस उसी के डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया। इस डायरेक्शन में काम करने के लिए मैं गांव में रही और मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की, कैसे वो महिलाएं काम कर रही हैं, क्या उनकी नेचुरल टैलेंट है, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो उनके लिए एक इनकम जनरेटिंग हो सकती है। आज हमारे घर में हर औरत खाना बनाती है, तो उनके पास स्किल्स तो है ही है, तो इन्हीं को हमको एक प्लेटफॉर्म देना था जिनके लिए वो अपना ये स्किल यूज करके इनकम कमा सके। आज हमारी दीदियाँ गांव की पारंपरिक तरीकों से अचार और चटनियाँ बना रही हैं। फार्म दीदी आज अपनी मोबाइल ऐप के जरिए ग्रामीण महिलाओं को फूड बिजनेस की ट्रेनिंग देती है और गाँव जाकर वहाँ उन्हें क्वालिटी और हाइजीन के साथ फूड प्रोडक्ट्स बनाना सिखाती है। हमारे अब तक 1500 से अधिक दीदियाँ हमसे जुड़ चुकी है, जिसमें से 70 से अधिक दीदियाँ फार्म दीदी बन चुकी है। तो शार्क्स, हम चाहते हैं कि ग्रामीण महिलाओं के माध्यम से देश के लाखों परिवार तरक्की करें, और अपने इस मुकाम को तेजी से हासिल करने के लिए हमें चाहिए आपका आशीर्वाद और 50,00,000 की इन्वेस्टमेंट 2% इक्विटी के लिए। नमस्कार। एक काफी बोल्ड लक्ष्य के साथ आपने अपनी पिच सुनाई कि 1,000,000 महिला को आपको रोजगार देना है, तो ये 1,000,000 नंबर आया कहाँ से? सर, एक बात क्लियर थी कि जब अपनी इतनी अच्छी फैंसी जॉब्स को छोड़ के कुछ काम करना था तो बहुत बड़ा करना था, छोटे मोटे के लिए तो नहीं छोड़नी थी जॉब, असल तो करनी थी। मेरे ख्याल से विनीता मैम भी हमेशा यही कहती है, तो फिर बड़ाई क्यों ना करें। तो ये एक तरह से सिर्फ बिजनेस नहीं, आपका पर्पस ड्रिवन बिजनेस हो गया। यस यस यस। और ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। यस। थोड़ा सा बताइए, आपने कहा जॉब्स, फैंसी जॉब्स पर्टिकुलरली, सो आई वांट टू हियर अबाउट दीस फैंसी जॉब्स एंड योर बैकग्राउंड्स। तो मैंने अमरावती से अपना इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस में। ओके। और फिर मैंने MBA किया जब मैं अपना जॉब कर रही थी IT। पूरा 16 इयर्स का अच्छा खासा IT एक्सपीरियंस है। ओके, ग्रेट। बहादुरगढ़ में मैंने स्कूलिंग की। अरे वाह। फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाती थी हरियाणा रोडवेज में। वाह। बहादुरगढ़ से दिल्ली रोज रामजस कॉलेज में। क्या बात है। और उसके बाद मैंने टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम किया, इंफोसिस विप्रो में 5 साल। अस्मिता दी और मैं, हम रूममेट्स होते थे पुणे में। फिर मैंने MBA की IIM कलकत्ता से। फिर एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म AT Kearney में मैंने इंटरनेशनल बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए। AT Kearney में क्या प्रोजेक्ट्स करते थे आप? सर, मैंने गवर्नमेंट्स के साथ बैंकिंग, फाइनेंस और FMCG सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स किए हैं। किस टाइप के प्रोजेक्ट्स? फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस या गो टू मार्केट स्ट्रेटजी। मैंने KPMG में सेम ड्यू डिलिजेंस ही किया था, कमर्शियल ड्यू डिलिजेंस। And you? मैंने लखनऊ से अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी थी। फिर मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो मैंने ग्रेटर नोएडा में DPS में वहाँ पे पढ़ाई करी। फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल आरकेपुरम में था। oh, फिर उसके बाद और मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। फिर मेरा कैंपस प्लेसमेंट था मारुति में, मैंने 2 साल काम किया। फिर मैंने MBA किया IIM कलकत्ता से, और उसके बाद मैंने टोटल एनर्जीज करके एक ग्लोबल एनर्जी फर्म है वहाँ पे ज्वाइन किया। और फिर उसके बाद हम लोग टच में थे, तो जब फार्म दीदी के बारे में सुना और हमारा विजन अलाइंड था, तो देन वी ज्वाइन। तो आप सबने अपनी जॉब छोड़ के इस वेंचर को शुरू किया है? यस जी। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ यू थॉट कि इसमें ज्यादा पैसे बनेंगे? बिकॉज मतलब मैं अपना पॉइंट अगर बोलूं तो एक था कि एक बिजनेस मॉडल ऐसा होना चाहिए सस्टेनेबल हो, स्केलेबल हो,
और उसको करने में मजा आया। मतलब जब आप घर जाते हैं शाम को तो आपको लगे कि हाँ यार हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, और वो पीस ऑफ माइंड भी मुझे चाहिए थी। वो संतुष्टि मिल रही है आपको इस काम में? जी सर बिल्कुल मिलती है, इसीलिए हम गांव-गांव जाते हैं, दीदियों से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, उनकी स्टोरी सुनते हैं, और जो इम्पैक्ट है भले ही वो आज जिस भी स्केल पे हो बट उसको इमेजिन करने में हमें बहुत खुशी मिलती है। कोई स्टोरी बताइए, आपने किसी की लाइफ अपलिफ्ट करी तो क्या क्या इम्पैक्ट लिया है? एक दीदी के जैसा एक लड़का है और वो देखती है कि भाई उनके आजू बाजू की जो लेडीज है उनके बच्चों को बाहर भेज रही है पढ़ने के लिए, बाहर मीन्स महाराष्ट्र में बाहर अच्छी स्कूल में, तो वो भी चाहती कि मेरा भी बच्चा अच्छे स्कूल में जाए। तो जो हमारे साथ जुड़ी उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, उन्होंने भी अपने बच्चों को उसी स्कूल में वो डाल सकी, तो वो हमेशा ये धन्यवाद करती है कि आपकी वजह से मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। एक दीदी की बेटी है तो वो आज तक उस बेटी को सोने की बालियाँ नहीं दे पाई थी, तो हमारी वजह से उनको जो ऑर्डर्स मिली और जो पैसा कमा पाई उससे उन्होंने सोने की बालियाँ गिफ्ट करी, तो वो उन्होंने हमको मेंशन किया, दीदी हम बहुत खुश है कि आपकी वजह से हम ये कर पाए। एक विडो लेडीज थी तो उनके घर में रिस्पेक्ट बढ़ गई क्योंकि वो कमाने लगे हैं, तो बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं। अच्छी बात है कि मन भरता नहीं है। तो ये 10 लाख जो विमेन को आप इंपैक्ट करना चाहते हैं, व्हाट इज द इनकम लेवल दैट यू वांट टू ग्रो? सर आज के टाइम में हमारी दीदियां 5,000 से 10,000 की इनकम महीने की कर पा रही हैं। और आपसे पहले उनकी क्या इनकम होती थी? सिर्फ समझ लो या तो इनकम थी नहीं या 1,000 या 2,000 जो खेती में काम करके जो लेबर वर्क मिलता है। कितने सालों से कर रहे हैं आप ये बिजनेस? मैम इनका ये रजिस्टर तो 2 साल हो गए इस कंपनी को। मेरे को याद है एक कल की बात है, फार्म दीदी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कुछ अच्छा। कुछ लेके आई हूँ मैं आपके लिए, मैं दिलवाऊंगी आपको। मैं आपको उनकी बात याद दिला रहा था कि उन्होंने कुछ कहा था। ठीक है जी। अमन तेरे इमेज को चेंज करना पड़ेगा। क्यों? हर सीजन में तू दिखता है जन्मों का भुक्कड़, जन्मों का भुक्कड़। बट इफ आई एम नॉट मी देन आई एम नॉट मी। एक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस सीट पर बैठ के, पहले मिलता है। सबसे पहले तो आम का अचार जो सबको सबका फेवरेट आम का अचार है, सबसे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट, इसमें नीम के पत्ते भी डले हैं। मेरे पापा और भाई का फेवरेट चिली पिकल भी है जिनको तीखा बहुत पसंद है। मुझे भी तीखा पसंद है, चिली पिकल बहुत अच्छा है। थैंक यू, मैंने ट्राई किया। और एक खट्टा मीठा नींबू का अचार है जो हर लड़की का फेवरेट होता है। लेमन पिकल बहुत अच्छा। ये जो आपने सर्व किया है ना बहुत अच्छे से किया है, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन एंड बहुत यम्मी अचार है। थैंक यू। करेला का अचार मैंने पहली बार खाया। हां जी, वो ऑयल फ्री भी है। मैं खाती नहीं हूँ करेला, लेकिन मुझे करेला का पिकल बहुत पसंद आया। एंड मेरे जैसे गुज्जू को अगर छुंदा पसंद आया मतलब आपको अप्रूवल मिल गया, अभी सिर्फ थेपले की कमी है। तो ये बताएंगे ये अचार की सप्लाई चेन कहाँ कहाँ से बने हैं, कैसे बने हैं? हमारा MOU साइन हो रखा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, तो वहाँ से हमको दीदियों की लिस्ट मिलती है। तो ये सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हैं? सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड, गॉट इट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड, अंडरस्टूड। फिर हम उनके साथ मीटिंग, जूम मीटिंग अरेंज करा के अपने ऐप के बारे में बताते हैं, जहाँ से वो इंस्टॉल करके ट्रेनिंग लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग। उसके बाद हमारी टीम ऑफलाइन जाके भी उनके साथ काम करती है। सेकेंडली हम प्रीमिक्स भिजवाते हैं क्योंकि अभी हमको पिकल्स की सेम टेस्ट चाहिए, बाकी उनके पास जो वेजिटेबल्स हो गए जैसे इमली हो गया, मैंगो हो गया, वो उनका होता है। फिर अलग लोगों की अलग अलग इमली की क्वालिटी होगी तो फिर नहीं सर, हमारा एक वेंडर फिक्स कर लेते हैं कि इमली यहाँ से आएगी और उसका लैब टेस्ट करा लेते हैं। हमारी टीम इन्वॉल्व होती है प्रोक्योरमेंट में क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। फिर उसके बाद उनको हमारी टीम जाके रेसिपी डिटेल में सिखाती है कि ये प्रोडक्ट की ये रेसिपी है, और तब तक हमारी टीम उनके साथ रहती है जब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं बन जाता कि हाँ दीदी अब सेल्फ सफिशिएंट होगी, वो बना सकते हैं। उसके बाद हम अपने तरफ से SOPs बना रखे हैं जो उनको समझाते हैं कि आप हर बार जब बनाओगे आपको ये फॉलो करना है। रेगुलर ऑडिट्स भी होते हैं, हमारी टीम जाके खुद करती है, सरप्राइज ऑडिट्स भी होते हैं। एक बार जब बन जाता है प्रोडक्ट वो हमारे वेयर हाउस में आता है, वहाँ पे लैब टेस्ट होती है, pH लेवल चेक करते हैं हम लोग, एसिडिटी चेक करते हैं, पैलेट टेस्टिंग करते हैं, तब वो जाके पैक होके कस्टमर्स के पास पहुंचता है। अभी मैंने नोटिस किया आपने मैन्युफैक्चर्ड बाय के नीचे हर एक महिला का नाम लिखा है। हाँ जी। एंड आई वाज चेकिंग कि हर जा में नेम सेम है पर हर जा में नेम अलग है। हाँ जी। तो ये मतलब उनको कितना अच्छा लगता होगा कि उनका नाम किसी चीज पे है, नॉट ओनली इनकम बट एक सर्टेन रिस्पेक्ट मिलता है बाय पुटिंग इट ऑन द लेबल, और ये मैंने कहीं पहले नहीं देखा। वेरी नाइस, सो आई हैड टू पॉइंट इट आउट। तो अभी धंधे पे चलते हैं, सेल्स बता दो। बता दीजिए। 6 लाख, 7.6 लाख और 10.1 लाख, ये हमारा लास्ट 3 मंथ्स का सेल है।
साल वाइज फर्स्ट ईयर में हमारा 55 लाख का सेल था, हमने जून 2022 में सेल्स स्टार्ट किया था और अभी तक इस साल हमारा 60 लाख के अराउंड सेल हो चुका है। और साल तक कितना होगा सर? 1.5 CR का वैसे हम टारगेट लेके चल रहे हैं। सप्लाई प्रॉब्लम है या डिमांड प्रॉब्लम? अभी हमारे लिए डिमांड जनरेट करना ही मेन टारगेट है, क्योंकि दीदियां हमारे पास हैं जो रेडी हैं, जिनको हम बिजनेस दे सकते हैं। कहाँ बिक रहा है ये माल? अराउंड 50% हमारी वेबसाइट पे रहता है, 30% मार्केट प्लेसेस पे और कुछ 20% हमारा ये ओन वेबसाइट पे। ROAS क्या है आपका? सर हमारा ऑलमोस्ट 3 का ROAS है। क्या बात है। और Amazon पे 2.7, 2.8 के आसपास। तो उनका अराउंड 350-400 के जी आता है, हमारे 800 के जी आते हैं, बट उससे हमारे से महंगे भी काफी प्रोडक्ट्स हैं। 2000 रुपए किलो दे रहे। अच्छा, लॉन्ग टर्म में और बड़े स्केल पे 2x आपको लगता है लोग देंगे पैसा? सर हमारे भी खर्चे कम होंगे लॉन्ग टर्म में तो, बट हमारे कस्टमर्स जो है, हमारा कन्वर्जन रेट अगर हम बोलें तो 6% है, जो काफी अच्छा है, जो हमें अभी फिलहाल लगता है। बट स्केलेबल नहीं होता है ना ये सब। कन्वर्जन रेट जब आप 3 लाख खर्च कर रहे हो और जब आप 3 करोड़ खर्चोगे अलग हो जाएगा। मैम इंडिया में जो बिकता है ना वो स्वाद बिकता है। प्राइस पॉइंट बैरियर हो जाता है ना, तो ट्रायल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मैम हमने सेम प्राइस में ट्रायल पैक्स भी रखे हैं। तो जो कस्टमर्स एक प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते उनको हम 4 पिकल्स का ट्रायल पैक देते हैं फॉर द सेम प्राइस, फॉर द सेम रीजन। देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेके बनाती है जहां ऐसे घर का टेस्ट आता है। आप कैसे एक पैन इंडिया ब्रांड बनाएंगी? आपका विजन क्या है? अभी जो कैटेगरी है इसमें हर रीजन वाइज टेस्ट फ्लेवर्स होते हैं, और जैसे गुजरात का पिकल अलग, आंध्र प्रदेश का अलग, तो एक तो इसी कैटेगरी में हमें पेनिट्रेट ज्यादा करना है रीजनल फ्लेवर्स लाके। इससे तो सिर्फ SKUs बढ़ेंगे, स्केल कैसे बढ़ेगा, सेल्स? मुझे लगता है कि ये ब्रांड आराम से ऑनलाइन 50 करोड़ तक आराम से बन सकती है, उसके बाद ऑफलाइन में जाना होगा। प्लस मुझे लगता है एक्सपोर्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अचारों का। तो एक्शन प्लान नहीं है, आपकी कुछ आइडियाज है, बट यू आर नॉट क्लियर एग्जैक्टली कैसे हो। आप प्रॉफिटेबल हैं अभी? मार्जिन कितना है बिजनेस में? 65% ग्रॉस मार्जिन है। आप पूरा यूनिट इकोनॉमिक्स बता दीजिए। 10 लाख रुपए आपका सेल्स है ना? जी। तो 65% ग्रॉस मार्जिन है, तो ऊपर से नीचे तक बता दीजिए आप। 35% हमारा मार्केटिंग में जाता है, उसके अलावा 15% हमारा लॉजिस्टिक्स में जाता है, अराउंड 7-9% हमारा डैमेजेस और ओवरहेड्स में जाता है, फिर उसके बाद हमारा जो नेट मार्जिन बचता है वो 7-10% फ्लक्चुएट करता है। तो अभी आज की तारीख में आपके 10 लाख में लाख रुपए बच रहे हैं? यस, दिस इज नेट मार्जिन है, बट हमारा जो बर्न अगर मैं कहूं, हाँ, तो हमारा बर्न अभी अराउंड 3.5-4 लाख है। जब उन्होंने पूछा था प्रॉफिट, आपने बोला हाँ, पर उन्होंने बोला नहीं 3-4 लाख का बर्न है, तो ये कंफ्यूजन क्यों है अनुकृत है आप में? नहीं नहीं मैम, यूनिट इकोनॉमिक्स पे प्रॉफिटेबल है, बट टेक्निकली प्रॉफिटेबिलिटी इज कंपनी लेवल। लेकिन आप तो मैनेजमेंट स्टूडेंट हैं, तो आपने 1 करोड़ सेल्स के लिए 25 करोड़ वैल्यूएशन कैसे मांग लिया? प्रायर राउंड हुआ है क्या कोई? या इससे पहले प्रायर राउंड हुआ है। कितने पे? कितने पे? 20 करोड़ की वैल्यूएशन कैप पे, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स पे हमने फंड्स रेज किए। किससे? ये हमारा एक तो आई एम कलकत्ता इंक्यूबेशन पार्क वहाँ से, और साथ में कुछ आई एम कलकत्ता के एंजल्स हैं वहाँ से। कितना पैसा उठाया? सर 1 करोड़ 33 लाख। 1 करोड़ 33। एंड फ्लोर क्या था? मैम कोई फ्लोर नहीं था, फ्लोर डिस्काउंट। ओके, आप सीईओ है कंपनी? यस, मैं चीफ दीदी हूँ। मैं चीफ दीदी। आई लाइक। और इक्विटी स्प्लिट क्या है आप तीनों का? मेरा 32% है, अनुप्रीत का 32, दीदी का 17%। आप लोग अपने आप को सैलरीज देते हो? सर हम तीनों 60,000 महीने का ड्रॉ करते हैं सैलरीज। और आप लोग नॉर्मली तो ज्यादा एनएम वगैरह में तो अच्छी सैलरीज थी ना पहले? तो घर चल रहा है और खुश है फिलहाल तो। मुझे आपके प्रोडक्ट्स का टेस्ट बहुत पसंद आया, एंड आई डेफिनेटली थिंक कि मार्केट है ऑफ हैंडमेड थिंग्स। आपने 25 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा है, आपकी सेल्स है 1 करोड़। ऑप्टिमिस्टिक भी अगर मैं आपको वैल्यूएशन दूं तो मैं 5 करोड़ से ज्यादा नहीं दे सकती हूं। तो आई थिंक ये 20 करोड़ का वैल्यूएशन करके थोड़ी सी आपने गलती कर दी है, थोड़ा सा आपने सेल्स के हिसाब से एंड नॉट आपके एम्बिशन एंड फ्यूचर सेल्स के हिसाब से आपने वैल्यूएशन मांगना चाहिए। दैट इज माय सिंसियर फीडबैक, आई एम आउट। चलिए, वो कहते हैं ना यार, कभी किस्मत बनती है अपने आप से, कभी किस्मत बनती है मित्तल जाप से। तो मैं आपको एक ऑफर करता हूँ, बट आई डोंट थिंक ये वैल्यूएशन में कोई सेंस बन रहा है। तो इट्स अ टफ, वेरी टफ डिसीजन फॉर यू, क्योंकि आपको अपने प्रीवियस राउंड को भी कंप्लीटली रीसेट करना पड़ेगा। 50 लाख फॉर 10%, सो वैल्यूएशन ऑफ 5 करोड़, स्ट्रेट इक्विटी, दैट्स माय ऑफर।
आप फार्म दीदी चलाते हैं, हम दृष्टि दीदी चलाते हैं। अच्छा। मेरी वाइफ चलाती है। ओके। और एक डेढ़ साल पहले शुरू किया था, अभी 15,000 दृष्टि दीदी बना दी है हमने। वाह। राइट। आप जितने पैसे तो नहीं कमाते, 5-10 हज़ार, पर 3-5 हज़ार रुपए बन जाते हैं उनके। ओके। जस्ट बाय चेकिंग आईज ऑफ पीपल। मुझे लगता है मैं काफी मदद कर सकता हूँ, जो राजस्थान का पूरा बेल्ट है, आप उनसे ये काम भी कराइए, बिकॉज दैट मे नॉट बी फुल टाइम, राइट? और उनकी इनकम लेवल 15,000 हो जाएगा और फिर डिमांड जनरेशन किया जा सकता है। And because आपका background इतना stellar है, तो मैं भी आपको same offer देता हूँ। I would actually like to partner with Anupam. If Anupam is okay, of course. Love the fact कि आपका इतना बड़ा ambition है of 10 lakh women. हमारी भी 3,500 women हैं, and वो women को employ करने में बहुत अलग problems भी आते हैं, right? It's not just about the women. Yes. It's about them not having that support. तो वो जो बैरियर्स हैं टू मेक दैट मिशन हैपन, मतलब विच इज एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल साउंडिंग मिशन, बट इट्स यू नो, अगर ऐसा गोल ना हो जो आपको यू नो 40-50 साल तक ड्रिवन रखे, तो फिर वो गोल में मजा ही कम है। सो आई विल गिव यू एन ऑफर विच आई थिंक इज फेयरली स्टीप, पर मेरे को ये सोलो करना है, बिकॉज प्रोडक्ट एंड आपका मिशन बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, एंड आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट दीज द वुमेन, द दीदीज दैट यू वर्क विद, ठीक है? तो मैं आपको 50 लाख ऑफर करती हूँ फॉर 5%, विच इज अ 10 करोड़ का वैल्यूएशन। 10 करोड़ का वैल्यूएशन, सीधा 5-10। वेल डन। विनीता का ऑफर बहुत अच्छा है, तो अनफॉर्चुनेटली मैं भी आउट हूँ, क्योंकि आपको हेल्प तो मिली गई है और वो अचार क्वीन बन जाएंगी, क्योंकि उनके पास झाजी भी है और ये भी है, तो अचार बेचने की एक्सपर्टीज तो आई जाएगी उनमें। मैं आई थिंक ये जो ऑफर आपको मिला है, मैं वहां तक नहीं जा पाऊंगा in terms of valuation. So I'm out. Agar Piyush ko karna hai that valuation, he can do it alone. Mera offer wahi hai, 50 lakh 10%. I think Vinita akele karna chahti hai. Agar wo akela nahi karna chahte, to phir bhi main jud jata. Chalo. Vinita, aap akele kyun karna chahte hai? Just puch sakti hu. Kyunki Piyush bahut pakayega. Ye bhi true hai. Chota deal hai. Is isme multi-shop deal ka scope nahi hai. Kya hum thoda samay le sakte hain? Aap decide karke aaiye. Welcome back. सबसे पहले थैंक यू फॉर द ऑफर, बहुत अच्छा लगा। जब मैंने कंपनी सेटअप की थी, तो मैंने एक 10 करोड़ वैल्यूएशन से कुछ इन्वेस्टर्स को वोट किया था, तो पहला राउंड मेरा 43 लाख का हुआ था। उसके बाद से मैंने एक 20 करोड़ वैल्यूएशन कैप पे किया था। अच्छा, वो आपने बताया नहीं था पहले। तो विनीता, क्या ऐसा हो सकता है कि 20 करोड़ की वैल्यूएशन कैप पे उसी पे आए, लेकिन मैं आपको जो शेयर्स जो रिमाइंडर है उसको एज एडवाइजरी शेयर्स आपको मैं दे पाऊं? हां, ठीक है। सो इफेक्टिवली मेरा वैल्यूएशन होगा जो 10 करोड़ मैंने ऑफर किया था, एंड उसको हम स्ट्रक्चर करेंगे इन अ इक्विटी प्लस एडवाइजरी। यस। एट 20 करोड़ वैल्यूएशन, और जो बाकी शेयर्स हैं वो एज एन एडवाइजरी एक एडिशनल इक्विटी आप कार्व आउट करके मुझे ऑफर करेंगे, राइट? पीयूष सर, हम आपके साथ वो दृष्टि दीदी के लिए जरूर जुड़ना चाहेंगे। एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट इजीयर, वी विल गिव यू 1 करोड़, ओके? 50 लाख करना है ना? ए ए, एक सेकंड, अभी उसको बोलने दीजिए, यू फिनिश। इफ शी इज ओके, शी इज ओके, इफ अदरवाइज नो प्रॉब्लम। सो बिकॉज़ आई थिंक वी वांट 5% ईच मिनिमम ऑन द सेम टर्म्स, so then you have 1 crore of money. Guys, let's make a decision. For the didis. But Vinita, you are okay with the... If it is mine, 50 lakh 5% stays, so wo kisi ko bhi nahi. Kya decision hai, bataiye final. Sir, dono milenge to bahut acha hai. Chaliye to bataiye, deal pakki? Pakki. Okay, deal pakki. All right, congratulations guys. Good one. अब हर घर में होगी फार्म दीदी। अरे वाह, लवली। और विनीता दीदी, विनीता और पीयूष भैया। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद शख्स। जय हिंद। जय हिंद। मैं हूं विकास सूरी,
और मुझे पॉपकॉर्न मैन ऑफ इंडिया भी बुलाया जाता है क्योंकि 99% मल्टीप्लेक्स में जो पॉपकॉर्न बिकते हैं वो हमारी मशीनें हमारे दाने और हमारे मसालों से बनाए जाते हैं। महंगे वाले? महंगे तो नहीं होते बट या बनते हैं। जैसे मुन्ना भाई अधूरा है सर्किट के बिना, वैसे ही मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस भी अधूरी है पॉपकॉर्न खाए बिना। अगर पॉपकॉर्न नहीं तो मूवी का मजा नहीं। जब 50 साल पहले भी शोले आई थी तो छोटे प्लास्टिक के पैकेट में नमकीन पॉपकॉर्न बिका करते थे, और अगर आज जवान और पठान जैसी मूवीज आई हैं तब भी पॉपकॉर्न सिनेमाज में खुद बिक रहे हैं, जैसे कैरमल चीज़ी सराचा एंड बड़ सॉल्टेड पॉपकॉर्न्स। पर आजकल लोग सिर्फ सिनेमाज में मूवी नहीं देखते, अपने घरों में भी OTT के द्वारा मूवीज देखते हैं। तो इस समय मैंने डिसाइड करा क्यों नहीं पॉपकॉर्न का एक्सपीरियंस लोगों को घरों में दिया जाए, एंड दैट्स हाउ द पॉपकॉर्न कंपनी वॉज बॉर्न। पॉपकॉर्न इन कंपनी में हम रेडी टू ईट रेडी टू कुक दोनों पॉपकॉर्न देते हैं, जो दुनिया के चुनिंदे खेतों में से चुन के सबसे बढ़िया भुट्टे के दानों से बनाए जाते हैं। और ये हमारे जो पॉपकॉर्न है ये इंटरनेट पे मार्केट प्लेसेस पे हमारे वेबसाइट के थ्रू अवेलेबल है, और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहें तो हमारे 6 स्टोर्स हैं जहाँ पे आप जाके गरम गरम पॉपकॉर्न खा भी सकते हैं। मेरा विजन है कि अगर आप पॉपकॉर्न चाहे घर पे खाएं या सिनेमा में खाएं या मार्केट में टहलते हुए, आपके हाथ में पॉपकॉर्न इन कंपनी का पॉपकॉर्न ही होना चाहिए। तो मेरा आस्क है शार्क्स, 75 लाख फॉर 7.5% इक्विटी। अगर आप पॉपकॉर्न खाएं तो पॉपकॉर्न इन कंपनी है, तो आपकी मूवी होगी ब्लॉकबस्टर। तो विकास, और मैं कहूँ पॉपकॉर्न मैन ऑफ इंडिया, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू मैम। मैं और मेरी फैमिली मूवी थिएटर्स बहुत जाते हैं, और हमारे हर एक के एक रिक्वेस्ट होती है पॉपकॉर्न के लिए। मेरे बच्चे हमेशा वो कैरेमल वाले खाएंगे, आई लाइक द बटर वन, सो डज माई हस्बैंड। और आपने बिल्कुल सही कहा कि घर पे बैठ के भी you want the same experience. Absolutely. So great business and great product. Thank you. आपने कब शुरू की आपकी जर्नी? ये मैडम मैंने एक्चुअली 2019 से चालू किया। बट आपने बोला सालों से पॉपकॉर्न आपके ही बिकते आए। So बड़ी इंटरेस्टिंग सी जर्नी है। I used to live in US. तो मैं जब वापस आया भारत 1996 के अंदर, तो मैंने एक कंपनी चालू करी किचन रामा के नाम से, जहाँ पे मैं लोगों के होटल रेस्टोरेंट्स केटरिंग कंपनीज और फूड कोर्ट्स डिजाइन और उनको इक्विपमेंट दिया करता था। उससे पहले आपका कहीं US में इसका एक्सपीरियंस था? मैं वही बताने लगा आप। ओके, एग्जैक्टली। सो जब मैं वापस आया उसी समय PVR का इंसेप्शन शुरू हो रहा था, मल्टीप्लेक्स इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, एंड दैट इज द टाइम आई गॉट टू डिलीवर माई पॉपकॉर्न्स इन टू द सिस्टम देयर। और जब मैं US में काम किया करता था तो आई यूज टू वर्क फॉर अ कंपनी विच इज सेम नेम कॉल्ड गोल्ड मेडल। अच्छा, तो वो विदेश में उनके लिए एक्सपोर्ट किया करता था पॉपकॉर्न पूरी दुनिया के अंदर। सो दैट्स हाउ द होल एसोसिएशन स्टार्टेड। अच्छा अच्छा। आई वर्क विद टॉप 7 चेन्स और टॉप चेन्स इन द कंट्री। आप कहीं पे भी जाइए आपको हमारी मशीनें, हमारे मकई के दाने या हमारे मसाले मिलेंगे जिनसे आप पॉपकॉर्न खाते हैं। वो US वाली कंपनी का जो आप इंपोर्ट करते हैं, आप उनके एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर हैं। एब्सोल्युटली। उसमें एक हमारा एक लोगो भी लगा होता है विच से सर्विस बाय किचन रामा। किचन रामा वहीं रुकता है। मैंने ना 2019 के अंदर एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट पॉपकॉर्न को बना के बेचना शुरू किया, तो जब बेचा तो काफी अच्छा ट्रैक्शन आया, तो मैंने सोचा इसको अलग से कंपनी बना दिया जाए। तो आप दोनों चलाते हैं? मैं दोनों ही चलाता हूँ, बट मेरा आज की डेट में फोकस सिर्फ इसी पे है। मैं 95% अपना समय इसी पे लगाता हूँ, 5% किचन रामा में लगाता हूँ, उसके लिए अलग से CEO है जो पूरा कंपनी चलाता है, बिकॉज दैट इज ऑल ऑन ऑटो पायलट। वो कितना बड़ा बिजनेस है? सो प्री कोविड वो तकरीबन 25 करोड़ का था, पोस्ट कोविड अभी 18 करोड़ के आसपास है। उसमें प्रॉफिट बनता है? तकरीबन 15% के आसपास। एंड यू आर द सिंगल शेयर होल्डर देयर? एब्सोल्युटली। तो आपके पॉपकॉर्न अलग कैसे है? द काइंड ऑफ क्वालिटी वी यूज इज वन ऑफ द बेस्ट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। मैं वो इसीलिए हूँ, मैं बड़ा सरप्राइज हूँ कि पॉपकॉर्न जैसी चीज इंडिया के बाहर से आती है। US is the biggest corn manufacturer in the world. So अमन, ये आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं, आपकी चॉइस में है। सारे ही ले रहा था। ले लीजिए ना। मैं क्रंची लीची, सी सॉल्ट, कैरमल, चीजी सिराचा। I want one salty and one sweet. Something that's different about you. दो तीन चीज होती है कॉफी पॉपकॉर्न, आई ऑलवेज से इनको फ्लेवर नहीं करना चाहिए, बट दिस इज सॉलिड। बट पॉपकॉर्न मुझे ज्यादा थोड़ा गर्म खाने के आदत है। When they are warm. Absolutely right. So, वो basically fresh popcorn cinemas में मिलते हैं या carnivals वगैरह मिलते हैं। This is considered to be as gourmet popcorn, जहाँ पे आप घर में बैठे इनको enjoy कर सकते हैं। ये डब्बा कितने का है?
₹200. सो हमारा एवरेज 200 से लेके 260 रुपए तक का होता है। मेरी डॉटर के लिए हम अक्सर वो पॉपकॉर्न पॉप करते हैं घर पे, पता नहीं कितने की आती है। एक्ट एक्ट वो कितने का आता है? 10-20 रुपए का आता है शायद। कुकर का 10 रुपए का आता है, वो कैटेगरी टोटली माइक्रोवेव का 15-20 रुपए। ये गूर्मे इंडल्जेंस प्रोडक्ट है। अच्छा, वो इन होम कंजम्पशन प्रोडक्ट। ये तो मतलब कपल्स वगैरह के लिए हो गया, वैलेंटाइन डे पे बहुत अच्छी सेल होती है। वैलेंटाइन डे पे तो बहुत अच्छी। पॉपकॉर्न्स ड्यूरिंग गिफ्टिंग सीजन हैज गॉन अ डिफरेंट लीग, चाहे वो दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, न्यू ईयर हो, क्रिसमस हो। आई डोंट अंडरस्टैंड आप इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे। This is your biggest thing, Sprinkle. It is my biggest seller. मैं अमेरिका से जाके लेके आती हूँ। This is amazing. ये मैं लेके जाऊँ? आप please लेके जाइए। आप है ना पॉपकॉर्न घर बनाइए और ये सब जो है ना क्या ये? So ये हमारी DIY movie night kit है। इसका biggest advantage ये है कि आप इसको अपने घर में चाय कुकर में बनाइए या माइक्रोवेव में बनाइए। You can make it all. ये कितने का बिकता है ये? 125 rupees. आपके अलावा कोई इंडिया में पॉपकॉर्न सीजनिंग बेचता है? नहीं, कोई नहीं बेचता। You are the first person. Absolutely. आप ये बंद कर दो और इसे बढ़ा दो। आप लोगों का ज्ञान चाहिए मुझे। क्या स्केल है बिजनेस का? लास्ट ईयर वी डिड 1.8 अप्रोक्सीमेटली, उससे पहले 1.7 किया, फिर हमने 65 किया, फिर हमने 1.25 किया। ये साल कितने में एग्जिट करेंगे? कोशिश तो पूरी 2 करोड़ की है, बट थोड़ा सा ना भी हिला सा हुआ इस वजह से। 1.7 to 2 is as good as flat. देखिए ऐसा है कि हम ना एक तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस सीख रहे हैं, दूसरा क्विक कॉम कंपनी से नेगोशिएट करना और बात करना, इट्स अ बिग चैलेंज। बस वो तो हम करवा देंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आप ये बताइए ना, 6 स्टोर हैं आपके? जी हाँ। तो वो स्टोर ईयर ऑन ईयर बढ़ नहीं रहे, इसलिए आप नहीं बढ़ा पा रहे? बिकॉज ऑफ कोविड द एंटायर इंडस्ट्री वाज हिट। बड़ा बढ़ना शुरू हो रहा है, जैसे हमारे 6 एग्जिस्टिंग स्टोर थे, 3 साइन पे अगले 1 महीने में खुल रहे हैं। नहीं सर, बात सही नहीं है। कोविड फिनिश्ड 21, ठीक है, अभी हो गए ऑलमोस्ट 24। अब ये बताइए आपकी पर ओन स्टोर सेल्स कितनी बढ़ रही है? ये 6 स्टोर में से 2 कंपनियों ने 4 फ्रेंचाइज। हमारे स्टोर्स की सेल बहुत अच्छी है, तकरीबन हमारे एक स्टोर से किसी भी मॉल में 15 से 30-35 हजार रुपए तक की सेल आती है। जैसे हमारा एक स्टोर है गुवाहाटी के अंदर, वहां से दिन की 35 से 40 हजार रुपए की सेल है। दिल्ली के अंदर हमारी 15 से 25 हजार रुपए तक की सेल होती है। दो अलग अलग बिजनेस है, एक है पैकेज फूड बिजनेस फंडामेंटली अगर देखें, दूसरा है QSR बिजनेस जहाँ पे आपको फ्रेश सर्विस लेड खाना खिलाने वाला एंड वो स्टोर इकोनॉमिक्स वाला। ये मॉडल्स ना बहुत अलग चलते हैं, स्किल सेट टीम स्ट्रक्चर अलग होते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में क्या बनाना है? सो माय विजन फॉर दिस इज एग्जैक्टली टू हैव अ मिक्स ऑफ बोथ विदाउट फोकस टू से कि आई कैन बिल्ड अ QSR एंड अ ब्रांड बिजनेस इज वेरी टफ। नो नो नो, QSR इज सेपरेटली a completely automated mode. My focus is actually going into the segment in FMCG. मैं चाहता हूँ कि हर बनाना चिप के साथ 2 पॉपकॉर्न के पैकेट पड़े हों। तो आप QSR को सिर्फ as a marketing channel चला रहे हैं? Absolutely. आपका business है at home packaged popcorn. Correct. सूरी भाई, ये पक्की बात है, क्योंकि ये जो QSR रहेंगे वो आप इसको expand नहीं करेंगे ज्यादा। You taking me wrong. मैंने ये नहीं बोला expand नहीं करूँगा। भाई साहब, अगर expand करोगे और उसका scale business आपके FMCG को match करेगा, तो you cannot say it is only a marketing channel. I really appreciate what you're saying. I am also a person who believes in specific is terrific. मेरा focus completely FMCG पे है। मैं इसको pitching के लिए नहीं जाता। ये लोग मेरे पास आते हैं। मेरा advantage देखिए क्या है? I've been into the industry for 30-35 years. मेरे पास आज की date में daily एक ऐसी family आती है कि साहब ये 15-20 लाख रुपया है, मेरे बच्चे को सेटल कर दीजिए। तो मुझे व्हाट स्टॉप्स मी फ्रॉम थिंग, मेरी एक ऑपरेशन टीम है, मैं खुद तो देखता नहीं, मेरी एक ऑपरेशन टीम है जो ये सारा हैंडल करती है। सर आपसे मुझे तो कुछ सीखना ही पड़ेगा। आपने एक कंपनी बना ली जहाँ से 2.5-3 करोड़ निकाल रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं कि FMCG बिजनेस में भी, ये पॉपकॉर्न पे बिजनेस में इतना सेट हो गया QSR कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती, आप सिर्फ ब्रांड पे फोकस कर सकते हो। तो ये क्या जादू है? I have to understand what this. ये मिस्टर सूरी का जादू है सर। अच्छा विकास, let me get you specific. समझ गया। मैं आपको 4 क्वेश्चन पूछूंगी, एक एक नंबर बताइए सर, सो इट्स क्विक। आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? 65-70। EBITDA परसेंट? सो करंटली वी EBITDA नेगेटिव, बट यूनिट इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव। नेगेटिव -10-15 है। 10 या 15, दैट्स अ बिग डिफरेंस। 10 के करीब है। मार्केटिंग कॉस्ट एज अ परसेंट ऑफ सेल्स? 10%। क्यों इतना कम? मैं बनियों की तरह कंपनी चलाता हूं। आई ओनली स्पेंड रिलेशन टू माय सेल्स। रिपीट कस्टमर्स परसेंट? 40-50% है।
40-50% आप मेजर करते हैं कि ऐसी अंदाजे से बता रहे हैं? मैं स्टोर्स पे ही मेजर करता हूं, मैं अपने दूसरे ट्रैक पे 40-50% रिपीट कस्टमर। जी हां जी हां जी, मैंने को थोड़ा सा 4700 BC वगैरह का पता है। इन्होंने अभी पिवट किया है क्योंकि कुछ इशू चल रहा था, फंडिंग का था या फिर सेल नहीं हो रही थी। तो आपको कुछ आइडिया है क्या हुआ है इनके साथ? आई हैव नो आइडिया ऑनेस्टली स्पीकिंग। As far as I know, ये जो प्रीमियम पॉपकॉर्न एंड मखाना के अटेम्प्ट्स हुए हैं ना, नहीं हुआ, वो चले नहीं है बिकॉज जो चीज मतलब कंज्यूमर को लगता है मैं 10-15 रुपए में खा सकता हूँ घर में बना, वो अभी 100-150 रुपए में अपग्रेड करके बेचना इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू गिफ्टिंग, क्योंकि गिफ्टिंग में तो कुछ प्रीमियम देना पड़ता है पर सेल्फ कंजम्पशन काफी कम है। जो मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे इट बॉदर्स मी कि आपके दो कंपनीज हैं, आप बोलेंगे यहाँ CEO है, ऑटो पायलट है, होता नहीं है वैसे, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम विथ मी, आई एम विलिंग टू लिव विथ इट। मेरे कंडीशंस फॉर दिस बिजनेस, कंडीशन नंबर वन कि ये जो आप ऑफलाइन इन टर्म्स ऑफ ओन स्टोर्स एंड फ्रेंचाइज स्टोर्स और ये कियोस्क वियोस्क कर रहे हैं ना, अभी जितने खुले बस उसके बाद और नहीं खोलेंगे। सेकेंड कंडीशन, हम इस पर फोकस करेंगे बिकॉज आई थिंक इसमें बहुत पोटेंशियल है, प्राइसिंग इज राइट, पैकेजिंग इज राइट, आपका सेल्स हैज बीन प्रीटी मच फ्लैट फॉर 3 years, सो आई थिंक द वैल्यूएशन आई एम विलिंग टू गिव यू 75 lakh बट फॉर 15% इक्विटी एंड 3% सेल्स रॉयल्टी टिल आई गेट माई 75 lakhs बैक। प्रॉफिटेबल नहीं है, देखते हैं ना, वी विल वर्क दैट आउट एज पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन, अभी तो ड्यू डिलिजेंस होना बाकी है। मार्केट बहुत बड़ी है क्या? पॉपकॉर्न की मार्केट तकरीबन 800 करोड़ की बताई जाती है इंडिया में। वो 800 करोड़ में से मूवी में ज्यादा सब कुछ पॉपकॉर्न का धंधा पूरा मिला के 800 करोड़ हटा दो तो तकरीबन आप 50 करोड़ हटा दो हैं, दैट्स इट बॉस। अगर मैं जिंदगी में अगर पॉपकॉर्न खाए होंगे महीने में एक या दो बार तो खाली सिनेमा में ही खाए हैं मोस्टली, ऐसा तो है नहीं कि घर पे लोग पॉपकॉर्न। मैं बात कर रहा हूं रॉ मटेरियल कॉस्ट की, आप पॉप की बात कर रहे हैं, फॉरगेट रॉ मटेरियल, रिटेल लेवल पर इंडस्ट्री साइज क्या है? मतलब मेरे को एग्जैक्ट ब्रेकअप नहीं पता, 800 करोड़ का पॉपकॉर्न का पूरा मार्केट बताया जाता है। ओके, तो दो हो गए रिटेल में, एक तो हो गया QSR फॉर्मेट, दूसरा हो गया FMCG जो घर पे हम पॉप करते हैं, ये दोनों में कितना डिवीजन होगा कुछ आइडिया है आपका? I'm just guessing and assuming, the FMCG market is close to 500 to 600 crores. ये आप organized की बात कर रहे हैं? Organized. क्योंकि जगह जगह आप कहीं भी गाँव में चले जाओ वहाँ पर पॉपकॉर्न बिकते हैं कम्प्लीटली अनब्रांडेड इन पैकेट सील्ड, वो कम से कम 2000 करोड़ का अलग होगा। Unorganized market is much bigger. है ना, 5 रुपए मिलता है 10 रुपए मिलता है। इनका टारगेट ऑडियंस ही अलग है। मैंने भी डिसीजन बना लिया, देखो पॉपकॉर्न हम सबको पसंद है बट मुझे लगता है बहुत महंगा प्रोडक्ट है फर्स्ट। सेकंड, आई लॉस्ट यू एट व्हेन वी ऑल आस्क्ड यू अबाउट कंपटीशन, आई बोला मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। माय सजेशन वुड बी दैट नो योर कंपटीशन बेटर एंड नो योर नंबर्स आल्सो अ लिटिल बेटर इज नॉट माय व्यू, इज थोड़ा सा मेरे लिए ये एक्सपेंसिव कैटेगरी। आई एम आउट, थैंक यू। एक बात पूछूं, जो ये आपके कियोस्क हैं जो आपने एक दो लगाए हैं उनका क्या रेवेन्यू आता है महीने का? जैसे दिल्ली का मैंने बताया, आप ये देख लीजिए तकरीबन कहां लगाया है वो दिल्ली में आपने, ये पैसिफिक मॉल सुभाष नगर, क्या रेवेन्यू है उसका? क्लोज टू 6.5 lakhs। एंड क्या रेंटल देते हैं वहां पे? 1,50,000 के करीब। कितना मैन पावर है? 2 लोग। And what is your margin there? GP again there is about 65%. क्यों, why 65? ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब cinema hall में 85% कमाते हैं। तो cinema में सिर्फ butter salted बेचते हैं। The COGS is very lesser. When I do premium products, there is sugar. And there is no big kiosk chain which is doing popcorns. We are the only ones. But I'm very surprised because इसमें जो margin है, वो तो retail में बैठा हुआ है। इसी cost तो 20 रुपए भी नहीं है बनाने की। 90% margin business है। I'm just hypothetically saying. अगर 6 लाख की भी सेल मान लूं, तो आप 5 लाख का प्रॉफिट है उसमें मार्जिन, 5 लाख में से मैंने 1 लाख की सैलरी दे दी 1.5 लाख, तो एक्चुअली में आई कुड बी मेकिंग 30% प्रॉफिट ऑन अ कियोस्क। इसको सेटअप करने की जो कॉस्ट है, दैट इज नॉट हार्ड, दैट इज नॉट बिग, राइट? ये पांच, नो 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 नो, हमने चुप करा दिया उनको। ही सेड दैट इस कियोस्क को सेटअप करने के लिए तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए लगता है। आप टीचर थे, आर्मी में थे कभी? नहीं। अगर 12 लाख रुपए भी लग रहे हैं, मेरा मानना है आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं इस कियोस्क से, बहुत ही क्लीन, बिकॉज मार्जिन इज सो हाई एंड इफ यू गेट योर प्राइसिंग राइट। हम कमाते हैं, 1000 कियोस्क खोल दो इसके। आई लाइक टू ब्रिंग इन माय सी, ऐसा होता है कि भाई साहब आप किस लिए आए हैं? भाई साहब आप तो विकास सूरी हैं,
द विकास सूरी, हु नोज एवरीथिंग। 3 साल हो गए हमको यहाँ बैठे हुए, आपको पता है? जी हाँ। हम क्या करते हैं, कुछ आइडिया आपके? तो आपने तो यहाँ पे आके एकदम से शाह को चुप करा दिया। आपने कहा कोई बात कर रहे बड़े हैं, कोई बात नहीं। उम्र की बात नहीं यार, एक सीट की इज्जत होती है यार। I'm sorry if I hurt, but I didn't say that. That's only one point. आप जब से आए हैं, आप कहते हैं बड़े बड़े स्टेटमेंट, स्पेसिफिक इज टेरिफिक, पर आपके आंसर्स इतने वेग हैं। आपको कुछ भी पूछा जाए, आप क्लियर नहीं बताते हैं आप QSR बंद करोगे कि स्केल करोगे। आपने अपना नाम खुद विकास सूरी मैंने आज तक नहीं सुना, कम से कम 4 बार ले लिया। लोग विकास सूरी के नाम से आते हैं, तो हमारे पास क्यों आए हो फिर आप? हम क्या करते हैं आपको पता है? हम पैसे डालते हैं, थोड़ा हमारा तजुर्बा है तो वो तजुर्बे को शेयर करते हैं, कुछ डोर्स खोल देते हैं, क्विक कॉमर्स में फटाफट धंधा लगवा देते हैं, साथ साथ में हम कुछ सीख भी जाते हैं। आपसे मिलके ऐसे लग रहा है कि यार आप में लर्निंग एजिलिटी और ह्यूमिलिटी तो है ही नहीं। क्या सीखेंगे हम, क्या सिखाएंगे हम, धंधा कैसे बनेगा साथ? सूरी साहब, आपका स्ट्रक्चर बहुत ही मैसी है, बिसाइड्स ऑल द पर्सनल स्टफ आई सेड, एंड दैट्स वन बिग रीजन मैं आउट हूं। थैंक यू, गुड लक टू यू मैन। मुझे लगता है पॉपकॉर्न का बिजनेस बनेगा, लेकिन शायद आप नहीं बना पाओ। विकास, आपकी स्ट्रेटजी आज तो समझ नहीं आ रही है। माय रिकमेंडेशन वुड बी, अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तो रिटेल में इन्वेस्ट करने की जगह मूवीज के साथ कोलैबोरेट करके, कंटेंट एंड मूवी कोलैबोरेशंस के थ्रू इसको एक इमोशन बनाइए कि घर पे बैठे बैठे मूवी वाली फीलिंग। दैट इज अ वेरी पावरफुल ब्रांड आइडिया जिससे आपने शुरुआत की थी, स्टिक टू दैट। आई एम आउट। आप ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्टिंग के बादशाह हैं इस चीज के, बट वेन इट कम्स टू लर्निंग D2C यू स्टिल हैव अ जर्नी टू क्रॉस। करेक्ट। और वो आई थिंक अभी आपको क्यूरियस ही रहना चाहिए कि व्हाट फॉर्मेट विल वर्क। मैं कह रहा हूँ रिटेल चलाओ, ये कह रहे हैं आप वो चलाओ, नमिता तो मसालों में ही खुश हैं। तो मतलब अभी इन दिस ऑल दिस आई थिंक यू नीड आंसर्स, और वो आंसर जब नहीं है तो इन्वेस्टमेंट लेना कैन बी वेरी रिस्की, तो इसलिए मैं बाहर। बेस्ट ऑफ लक। चलिए, एक ऑफर अभी है, 4 शॉट तो विकास, इट्स अ नॉन नेगोशिएबल ऑफर। आप काउंटर कर सकते हैं लेकिन मैं मानूंगी नहीं। I accepted. You accepted? Oh great. Wow. I'm excited. Thank you once again for the deal. I really thank you. Thank you very much, sir. Thank you. हेलो शार्क्स, आपने किसी फिल्म में हीरो की एंट्री देखी है? वो हमेशा स्वैग के साथ एक लग्जरी प्रीमियम गाड़ी से निकलता है और सब उसको देखते रह जाते हैं। यह देखकर सबका मन होता है मेरे पास भी एक ऐसी गाड़ी हो, मैं भी स्टाइल से निकलूं और लोग मुझे देखते रह जाएं। आज हेलो शार्क्स, हेलो, आपने किसी फिल्म में हीरो की एंट्री देखी है? वो हमेशा स्वैग के साथ एक लग्जरी गाड़ी से निकलता है और सब उसको देखते रह जाते हैं। यह देखकर सबका मन होता है कि मैं भी एक लग्जरी गाड़ी से निकलूं और लोग मुझे देखते रह जाएं। और आज सोशल मीडिया का जमाना है और सबको हीरो बनना है। अगर आप किसी से भी पूछो कि आपकी ड्रीम कार क्या है तो सब बोलेंगे मर्सिडीज, BMW, महिंद्रा थार, फॉर्चुनर, लैम्बोर्गिनी, बट वो अफोर्ड कर पाते हैं एक बेसिक कार। That's right. अगर कुछ लोग हैं जो अफोर्ड लग्जरी कार भी कर पाते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता है कि उस गाड़ी को वो फुल्ली यूटिलाइज कर पाए। एंड रेंटल कार के ऑप्शंस को देखें तो रेंटल कार इंडिया में काफी महंगे हैं और क्वालिटी भी काफी पुअर है। इन 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया है प्रोराटा। प्रोराटा दुनिया का पहला फ्रैक्शनल कार ओनरशिप प्लेटफॉर्म है जहाँ आप 8.33% पर अपनी ड्रीम कार को ओन कर सकते हैं। प्रोराटा ऐप का एल्गोरिदम आपको अपने एरिया के लोगों के साथ कनेक्ट करता है जिनका मैचिंग इंटरेस्ट हो आपकी ड्रीम कार में, और हम फिर एक ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप में आप अपने हिस्से का पेमेंट करके उस ब्रांड न्यू गाड़ी के को ओनर बन सकते हैं। हमारा विजन है प्रोरेटा को एक ऐसा टेक प्लेटफॉर्म बनाना जो एसेट लाइट हो और लोगों के ड्रीम कार के सपने को पूरा कर सके।
हमने अपना ऐप भी लॉन्च किया है और 2 लाख से ज्यादा ऐप डाउनलोड हो चुके हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम है संजीव जैन, मैं आया हूँ बैंगलोर से। मैं हूँ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ फ्लोरा का कार, एंड मेरी आस्क है 1 करोड़ इन एक्सचेंज ऑफ 2% इक्विटी ऑफ माई कंपनी। तो सर, जोड़िए लग्जरी कार से नाता ओनली विथ फ्लोरा। बहुत बढ़िया, बहुत एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात। जनरली स्पीकिंग फ्रैक्शनल ओनरशिप अप्रिशिएटिंग एसेट में होता है। एग्जैक्टली। आपको क्यों लग रहा है कि ये चलेगा? आज भारत में 25 करोड़ हाउस होल्ड है। ओके। उसका 8% यानी कि 2 करोड़ हाउस होल्ड के पास आज खुद की गाड़ी है, बट उसका 95% जो है वो 10 लाख के कम की है। और आप उन सबसे पूछो, सबकी ड्रीम कार एक प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट ऑफ रोड कार है, वो 20 लाख से अबव है। तो मार्केट है ये पता चल गया मेरे को, एस्पिरेशन है, डिमांड है ये पता चल गया, एंड सप्लाई भी है, क्योंकि 20 लाख से 4 करोड़ तक आज बहुत सारे ऑप्शन है जो 10 साल पहले नहीं थे। That's right. तो डिमांड भी है, सप्लाई भी है, प्लेटफॉर्म की नीड है। यहाँ पे फ्रैक्शनल ओनरशिप आपको ROI नहीं देता है, बट आपको यूजेस देता है। और इंडिया एक अलग कंट्री है, US, यूरोप, चाइना में आप लीजिंग मॉडल सक्सेसफुल है, रेंटिंग मॉडल सक्सेसफुल है, बट इंडिया की प्रॉब्लम डिफरेंट है। यहाँ पे लग्जरी कार बहुत कॉस्टली है ड्यू टू हाई टैक्सेशन, तो यहाँ पे एक अलग इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशन की जरूरत महसूस होती है। एंड इंडिया स्पेसिफिक सॉल्यूशन है यूज्ड कार, बिकॉज़ अगर आप किसी और के साथ 4 लोग के साथ गाड़ी शेयर कर रहे हैं तो वो भी आपको यूज्ड हालत में ही मिलती है। तो यूज्ड कार का इतना प्रोलिफिक मार्केट है, वो यही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। यूज्ड कार हो या आपकी नई कार हो, वो आपकी डेली कम्यूट को सॉल्व करता है। आपकी गाड़ी वो रेगुलर यूज होती है, बट हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो ओकेजनल नीड है। आप एक बार अपना सॉल्यूशन समझाइए, एक एग्जांपल देके कि क्या कर रहे हैं लोग, कितने खर्चा होता है इसमें, ताकि हम अज्यूम ना करें, आप बताइए। Okay. और इसमें ये भी एक्सप्लेन कीजिए कि लोग स्केड्यूलिंग कैसे करेंगे। यस, पूरा अपना मॉडल समझा दीजिए विद द ऐप। तो कस्टमर जब यहाँ हमारा लॉग इन करता है और साइन अप करता है, तो यहाँ पे हम कस्टमर को एजुकेट करते हैं, उनके डाउट्स हम क्लियर करते हैं FAQs के तरह। वो ब्राउज कार में जाता है और वहाँ पे मल्टीपल कार के, अपने ड्रीम कार के ऑप्शंस को देखता है, उसकी टिकट प्राइस का कैलकुलेशन चेक करता है। फॉर एग्जांपल महिंद्रा थार का ये कार है, 18 लाख की महिंद्रा थार है। ओके। डिवाइड बाय 12 कर दीजिए, 12 टिकट होती है, जैसे साल में 12 महीने होते हैं। अच्छा, ओके। 1 टिकट इज इक्वल टू 8.33% शेयर ऑफ द LLP इन व्हिच कार इज रजिस्टर्ड। ओके। इक्वल टू 30 डेज ऑफ यूजेज क्रेडिट। ओके। 5 साल तक 150 दिन कस्टमर यूज करता है गाड़ी को। Okay. 5 साल बाद गाड़ी सेल होकर के रीसेल वैल्यू उसके हाथ में आ जाता है। 1.5 लाख उसने इन्वेस्ट किए और गाड़ी 150 दिन वो यूज करता है, तो 1,000 रुपीज का उसके कॉस्ट आता है पर डे, 24 आवर ऑफ साइकिल। पर ईयर कुछ खर्चा नहीं। आप 1.5 लाख दे के शेयर खरीदते हो तो आपको आगे कुछ नहीं देना है, आपको एक एनुअल मेंटेनेंस चार्ज देना है प्रो राटा का, वो है 15,000 रुपए, विच इंक्लूड्स इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, कार पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, पीरियोडिक सर्विस एंड मेंटेनेंस, LLP मैनेजर। फिर वो इस गाड़ी को अगर अच्छी लगती है तो वो कम्युनिटी प्रोफाइल में ऐड कर देता है। यहाँ पर वो एक कम्युनिटी एक्सेस के लिए 99 रुपीज पेमेंट करता है। अच्छा। सो डेट हम एक फिल्ट्रेशन चाहते हैं कि वेरीफाइड कस्टमर आए, और 10,000 लोगों ने 99 रुपीज पेमेंट कर दिया है ऑलरेडी लास्ट 6-7 मंथ्स। हम डेटा देते हैं कि आपका नाम और उनकी ड्रीम कार क्या क्या है, इस डेटा से हम मैच मेकिंग करते हैं। ऐसा ग्रुप कंप्लीट होता है, तो ये होने के बाद फिर हम ऑफलाइन उनको कॉल करके उनके लीगल पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं, LLP बनाते हैं, और एक एस्क्रो मैकेनिज्म से पैसे डीलर के पास जा करके गाड़ी परचेज होकर के डिप्लॉय होती है। डिप्लॉय होने के बाद एक रिजर्वेशन शेड्यूल हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पर वो 1 साल का कैलेंडर एडवांस देख सकते हैं, आप अपना प्लान कर सकते हैं। आपकी साइट तो अच्छी है। तो मैं 30 दिन पूरे साल में स्पोरैडिकली कर दिया, और लास्ट मिनट को चेंज करना है तो ऊपर नीचे अगर अवेलेबल है। सो रिजर्वेशन और कैंसिलेशन का कुछ लिमिटेशन है इसको मिसयूज से रोकने के लिए। और फिर अपने क्रेडिट भी चेक कर सकते हैं कि मेरे पास कितने क्रेडिट्स हैं, इसका स्प्लिट भी है वीकेंड्स एंड हॉलीडेज का और वीकडेज का, सो डेट सबको वीकेंड्स एंड हॉलीडेज इक्वल मिले। एक कोनर दूसरे कौन है कोनर, पूरा विजिबिलिटी होता है उन्हें। विजिबिलिटी होता है, बट कॉन्टेक्ट एक्सेस हम नहीं देते, बात करने की जरूरत नहीं। हमारा ऐप इज सो पावरफुल टू मैनेज एवरीथिंग। अगर मैं यूज कर रहा हूँ और मैंने गाड़ी ठोक दी, किसने ठोकी कैसे पता लगेगा? हमारा हर पिकअप एंड ड्रॉप हमारा ड्राइवर करता है, और उस समय एक थोरो चेक करके अगर कुछ डैमेजेस है वो क्लिक हो जाती है ड्राइवर ऐप पर, एंड वो हम लोग कंट्रोल करते हैं। और वो पेमेंट कौन करता है उसकी? ओवर एंड अबव इंश्योरेंस क्लेम द पर्सन विल बी लायबल। जनरली आपका यूज केस आउट ऑफ स्टेशन है? नहीं, इसके अलावा भी 7 से 8 यूज केस है। टॉप 2 यूज केसेस बताइए। अगर किसी के पास छोटी गाड़ी है तो 7 सीटर कार उनको चाहिए ही चाहिए।
This is a true problem. Show off करना एक बहुत बड़ा use case है दिल्ली NCR market में. हमारे घर से बड़ी हमारी गाड़ी भी हो सकती है कभी कभी. Status. आपका time from intent to purchase. Yeah. मतलब आज मैंने आपके app के बारे में सुना, मैं आया, अपना intent group कोशिश की join करने का. उस दिन से purchase तक कितना समय लगता है? So ये 60-90 days का है, but focusing on few cars. सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना इस प्लानिंग आज की डेट में इतनी प्लानिंग कर नहीं पाता इंसान बिकॉज ऑफिस है काम है कब छुट्टी मिलेगी कब जा पाएंगे तो इजंट दैट अ बिग चैलेंज फॉर पीपल सो अगर कोई ना कोई बंदा तो यूज करेगा उसके पॉइंट्स कम हो जाएंगे तो किसी और को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये कोई चैलेंज नहीं है अगर कोई कारण से उसके क्रेडिट यूजेज पॉइंट यूज नहीं होते हैं वो और किसी के यूज हो जाते हैं वो सेल कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म में क्रेडिट यूजेज पॉइंट को एंड उसके कॉस्ट कुछ कम हो सकते हैं देयर इज 90-80% चांसेस दैट यू विल गेट ऑन योर डेट्स बिकॉज इट इज आपको पता है कि कितने आपकी ओनरशिप है कितने आपको यूज हो गए rather than a membership जहाँ पे बहुत ज्यादा सेल हो जाता है और आपको मिलती नहीं भाई साहब hold on I'm out आप इंडियन कंज्यूमर को समझे नहीं है इंडिया में वो प्लानिंग ऑर्गेनाइज इतना आगे से 30 डेज में कब यूज करूंगी मेरी कार वो आपके ऐप पे जाके ब्लॉक करो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ये कल्चर और माइंडसेट इंडिया में है ही नहीं ये पार्ट ओनरशिप ये शो ऑफ ये सब ठीक है पर जब एक्चुअली एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन ऑपरेशन आएगा आप सबसे ज्यादा ना ये स्केड्यूलिंग में पागल हो जाओगे सो आई एम आउट एक बस एक जल्दी से बता दो आपकी सेल कितनी है अभी तक अभी हम प्री रिवेन्यू हैं हमारे पास 100 ऑर्डर्स वेरी गुड बन चुके हैं आपको अभी ये नहीं पता कि आपके ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या हो सकते हैं गाड़ी ना मेरे को लगता है बड़ी पर्सनल चीज होती है जितनी औकात होती है उतने की इंसान गाड़ी खरीदेगा और खरीदेगा तो उसको संभालता है अच्छे से उसको ध्यान रखता है अगर ये करना होगा तो मैं रेंट पे ले लूंगा या फिर मैं टैक्सी ले लूंगा तो मुझे ये वाले मॉडल में थोड़े अभी इश्यूज लग रहे हैं अभी आप भी प्रीलिमिनरी हो देखिए आगे बढ़िए देखते हैं कैसा होता है अभी मैं आउट सो संजीव पहले तो बहुत दिमाग लगा के आपने एक यूनिक दुनिया में पहला बिजनेस मॉडल क्रिएट किया तो हैट्स ऑफ फॉर थिंकिंग डिफरेंटली एंड रियली ब्रिंगिंग इट टू लाइफ एंड नेम बहुत अच्छा है प्रोरेटा ये एज अ कंज्यूमर के लिए ये एक 10th हैंड या 7th हैंड कार जैसा एक्सपीरियंस है तो मुझे नहीं लगता मार्केट है और मुझे लगता है आपका बिजनेस मॉडल तो है ही नहीं तो इसे मैं आउट हूँ बस मेरे को बहुत इंटरेस्ट है मेरे को तो अच्छा लग रहा है यार मेरे को आप भी बड़े स्मार्ट लग रहे हो क्योंकि आपने जो नया मॉडल निकाला है और जो आपने ये कमर्शियल थिंकिंग जो है ना जो आप 100 रुपया फिल्टरिंग का लेते हो और जो ऐप आपने दिखाया ना आई थॉट उसमें बहुत बारीकी से आपने सोचा है तो एक बिजनेस बनाया जा सकता है मुझे सिर्फ एक बात बताइए अप्रॉक्सीमेटली आज आप बोल रहे हो आपका मेंटेनेंस बनता है 15,000 रुपया पर टिकट पर ईयर इसमें आपका मार्जिन कितना बनेगा बन बन के तो 15,000 × 12 = 180,000 हमारा ग्रोस रेवेन्यू है 40,000 के आसपास हमारा कार पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस का कॉस्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम भी अराउंड 40,000 है एंड पीरियोडिक सर्विस एंड मेंटेनेंस एंड LLP एंड एक्स्ट्रा कॉस्ट लेकर के अराउंड 40,000 120 वहाँ गया 120 हमारा गया रेस्ट हमारा मार्जिन है ग्रोस मार्जिन चलिए हाँ इतना ज्यादा नहीं 30% इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ अनुपम जी सो हम लोग एक टेक कंपनी है सारा काम एक्चुअली शोरूम वाले कर रहे हैं हमारा काम सिर्फ शोरूम के साथ शोरूम को इंटीग्रेट करना है गाड़ी सर्विस पे शोरूम को देनी है 5 साल का सर्विस पैकेज हम ले लेते हैं हमको सिर्फ एक शोरूम को एक सिस्टम देना है इट्स ए कम्प्लीटली टेक प्लेटफॉर्म कितने शोरूम को इंटीग्रेट किया अभी तक बैंगलोर में अराउंड 4-5 ब्रांड्स को ये किया सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट हो गया आपने सॉफ्टवेयर वगैरह इंटीग्रेट तो वो अभी करेंगे आप या वो करेंगे और आपने कोई कैपिटल रेस किया है हमने आइडिया स्टेज पर 1 करोड़ रेस किया कितने कब किया था June 2022 और किससे किया था ये फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड वन ऑफ द कार शोरूम डीलर इन्वेस्टिंग वैल्यूएशन 10 करोड़ फ्लोर 40 करोड़ कैश आपका खुद का तो टेक बैकग्राउंड है नहीं यस तो आपकी टीम में कोई स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी का बंदा है जो ये कर रहा है तो लास्ट 5-6 महीने में मैं सी चार्टर्ड अकाउंटेंट से चार्टर्ड इंजीनियर बन गया हूँ मैंने खुद कोडिंग सीखी है और खुद अंदर टेक टीम को मैनेज करना क्या प्लेटफॉर्म पे बनाया आपने ये
ये फ्लटर पे। और आपने ये क्लेम किया कि दुनिया में कोई और ये नहीं कर रहा है। यस ये ट्रू बात है। यस देयर इज नो प्रोरेटा कार शेयरिंग मॉडल इन द वर्ल्ड। नो लीजिंग मॉडल है, रेंटिंग मॉडल है और इंडिया को फ्रैक्शनल ओनरशिप चाहिए। तो लेना है आपको पेड, आप लेते हो नहीं, तो मेरा दूसरा प्रॉब्लम है इसका। मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम वैल्यूएशन का। आप हैं प्री रेवेन्यू, आप थियोरेटिकल बिजनेस है, तो ये वैल्यूएशन तो हो ही नहीं सकता। आपका वैल्यूएशन होना चाहिए 5-6-7 करोड़। आप थियोरेटिकल बिजनेस है और आपकी आस्क होनी चाहिए 25-50 लाख। ओके, तब जाके एक बेट ले सकता बंदा या कोई भी इन्वेस्टर एज एन अर्ली स्टेज बेट कि एक ट्राई मार सकते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि थिंकिंग स्ट्रॉन्ग। तो हम 4 करोड़ का ये राउंड कर रहे हैं, 2 करोड़ का कमिटमेंट भी आ चुका है और 26 लाख ऑलरेडी इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म से रेज भी कर लिया इसी राउंड। आउच, दैट डिड इट फॉर मी, यू लॉस्ट मी देयर। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन लीड कर रहा है, कैसे हो रहा है, आई डोंट केयर, क्योंकि ये कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं है। okay. तो वो ऐसे वैल्यू सेट नहीं कर सकते। सो आई एम आउट मैन, बट गुड वर्क, ग्रेट वर्क। मैं काफी इंटरेस्टेड था अनुभव के साथ। अगर हम लोग दोनों 50-50 या 25-25 लाख रुपए लगाते 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे, इससे ज्यादा नहीं, बस 6-7 कह रहे हैं, देन इट इज लाइक कि ठीक है यार, एक पंट ले लिया, बनेगा बनेगा, नहीं बनेगा तो देन द मनी इज गॉन। 10 करोड़ की वैल्यूएशन पर आप कंसीडर करेंगे? 5 करोड़, 50 लाख, 25 लाख इक्विटी, बाकी 50 लाख डेट, 14% इंटरेस्ट, बोलो। डन। Yes or no? Any counter possibility? No. Non-negotiable. So 10% is ki deal hai? Yes. Okay. So deal pick ke saath. आपने जो LLP वाला दिमाग लगाया वो काबिले तारीफ है, पर बहुत मुश्किल है इसको चलना। नहीं चलेगा, इंडिया में कंज्यूमर माइंडसेट ही नहीं है इसके लिए। आई होप यू प्रूव अस रॉन्ग। एंड नाउ यू हैव टू गुड पार्टनर्स। प्रूव अस रॉन्ग। यस। देखो यार, किसी ने नहीं सोचा था जो चल गई चीजें इंडिया में, मेरा तो ये मानना है। थैंक्स। चलिए बेस्ट ऑफ लक। Thanks, buddy. Thank you. हेलो एंड वेलकम टू आस्क द शार्क, जहां पे हम आपके सवाल शार्क से पूछते हैं। आज हमारे साथ हैं सीईओ एंड फाउंडर शुगर कॉस्मेटिक्स एंड हमारी जानी मानी शार्क विनीता सिंह। मैम वेलकम टू आवर छोटा सा दरबार। मैम आद्या सक्सेना जी आपसे पूछना चाहती हैं, ये तो कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं शुरुआत में, कह रही हैं विनीता जी आप हमारे लिए एक आइडल हैं इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। थैंक यू। मैं और मेरी फ्रेंड हमारे घर से एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने वाले हैं, स्क्रंचीज और ज्वेलरी का। ओह, तो हमें किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? मेरे हिसाब से स्क्रंचीज और ज्वेलरी पर, बट कोई बात नहीं, आगे भी इनका और सवाल है। वो कह रही कि और जैसा आप हमेशा कहते हो, ग्रॉस मार्जिन इतना जरूरी क्यों है? तो आद्या, फॉर अ चेंज आई थिंक राहुल वाज राइट। आपको सबसे ज्यादा ध्यान तो स्क्रंचीज एंड ज्वेलरी पे देना चाहिए, यानी कि आपका प्रोडक्ट। अगर आप एक प्रोडक्ट बिजनेस में घुसती है तो आपका प्रोडक्ट आपके बिजनेस की हीरोइन है, एंड उसमें आपको इतना एफर्ट डालना है कि जो भी कंज्यूमर एक बार आपके प्रोडक्ट को ट्राई करे वो अपनी 10 फ्रेंड्स को रेकमेंड करे, वो बार बार आके आपसे खरीदे। अब ग्रॉस मार्जिन, एक ब्रांड के फर्स्ट 4-5 साल में ग्रॉस मार्जिन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन का मतलब है आप जिस प्राइस पे बेचते हैं माइनस आपका जो बनाने का प्राइस है, एंड वो ही होती है एक ब्रांड की पावर। और कोई भी ब्रांड अपनी जर्नी ऑफ 10 ईयर्स 20 ईयर्स में अपने ग्रॉस मार्जिन को बहुत ज्यादा नहीं इंप्रूव कर पाती है। तो अगर आप शुरुआत में ही आपका ग्रॉस मार्जिन 60% से कम है तो आप उसको कभी बड़ा ब्रांड बना नहीं पाएंगे। तो मेरा मानना है एक ब्रांड के फर्स्ट 4-5 ईयर्स में ग्रॉस मार्जिन शुड बी 60%+, चाहे प्रॉफिट आप निकाल पाओ या नहीं। दैट्स माय एडवाइस फॉर यू। गुड लक आदिया। थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड जॉइनिंग अस। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वन।